आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ के लालगंज जा रहे हैं। सीएम लालगंज में जनविश्वास यात्रा में शामिल होने के बाद चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। तैयारियों को डीएम एसपी कार्यक्रम स्थल नया पुरवा पहुंचे और योगी के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लिया। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज प्रतापगढ़ दौरे पर जाएंगे, जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे आज सीएम योगी। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और भारी भीड़ जुटने की संभावना है। भीड़ ये बता रही है कि चुनावी माहौल है और भीड़ जुटा के राजनेता ये बता रहे हैं कि उनकी पार्टी को कितना समर्थन मिल रहा है। सभी विपक्षी दल हो या फिर जो है सत्ता दल हो, सभी पार्टियों की यात्राएं, जनसभाएं, दौरे सब देखने को मिल रहे हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रेम, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं सीएम के आगमन से पहले? जी बिल्कुल, बता दें कि जनपद क्षेत्र है जहाँ कई वर्षों से लगातार कांग्रेस का तिलक उभरा है। लगभग 80 वर्षों से बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर विजयी होते हुए आए हैं, लेकिन बात की जाए आज तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दौरे के लिए आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इनके आने के बाद ये दौरा कितना कारगर साबित होता है, क्या कई वर्षों से बना हुआ रिकॉर्ड कांग्रेस का टूट पड़ता है या फिर वैसे ही जाहिर होता है। जी बिल्कुल, बता दें कि आज यहाँ पर 12 बजे हेलीकॉप्टर से आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 554 करोड़ की 378 परियोजनाओं का करेंगे स्वागत। वही आपको बता दें कि तैयारियां भी पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है। हम आपके पीछे दिखाना चाहेंगे कि आपको कहेंगे कि आप दिखाएं, तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी है। कहीं कहीं संबंधित सभी आला अधिकारियों को मौके पर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। वहीं कार्यों का पूरी तरीके से जांचा लिया जा रहा है, कहीं पर भी कोई भी अतुटिया न हो नहीं पाए। वहीं आपको बता दें कि रास्ते में कहीं जाम न लगने पाए, जिसको लेकर मार्ग भी इधर उधर कर दिए गए हैं, जिससे कहीं पर भी जाम की समस्या न होने पाए। जी बिल्कुल, बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में दौरा होगा। जी जी प्रेम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, बता दें कि 12 बजे लैंड होने की बात की जा रही है। 12 बजे के करीबन लगभग सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी तरीके से जोर से हैं। और 12 बजे के बाद वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और यहीं से वो अपनी जन विश्वास यात्रा को आगे करेंगे। यहीं से उनकी विश्वास यात्रा शुरू होगी। इसके बाद ही वो कहीं ना कहीं यही वो जगह है जहाँ पर वो 12 बजे आएंगे। यहीं से वो जन लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों को विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण करने के बाद वो कहीं ना कहीं यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से वो अपनी जन विश्वास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल जी। प्रेम, आज और क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के? जी बिल्कुल, बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ की बात की जाए तो रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का दौरा है। इससे पहले बात की जाए तो लगभग 80 वर्षों से कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी, बात की जाए पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी मौके यहीं पर विधायक रहा करते थे। अब हाल में ही उनकी पुत्री आराधना मिश्रा यहाँ पर विधायक रही हैं। अगर बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी की, अभी तक यहाँ पर कोई भी कारगर नहीं साबित हुआ है। अब देखना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा पाती है या पुनः पहले जैसे कांग्रेस का प्रत्याशी विजय होगा। जी बिल्कुल, बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ का दौरा है जहाँ पर जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। यहीं पर वो 554 करोड़ की 378 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। यहीं से वो जनसभा को संबोधित करेंगे। यहीं से वो लोगों को आगे जो चुनावी यात्रा है उनकी चुनावी यात्रा को आगे ले जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़े थे। तो आज जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रतापगढ़ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है क्योंकि यहां पे लगातार कांग्रेस के ही प्रत्याशी विजयी रहते हैं और इस सीट पर अब सीएम योगी आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी की नजर है और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश रहेगी, बड़ी भीड़ जुटाने की कोशिश रहेगी, दमखम दिखाने की कोशिश रहेगी और कई योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। सीएम बड़ी सौगात दे सकते हैं जब आज वो प्रतापगढ़ आएंगे। तो इस दौरान सभी सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है और लगातार
अलग अलग जिलों के दौरे पर रह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और आज भी कई जिलों का दौरा करते हुए नजर आएंगे, जिसमें से एक प्रतापगढ़ भी है जहां पर जनता को सौगात देंगे। विजय यात्रा के साथ वो पहुंचेंगे प्रतापगढ़। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मौजूदा कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से कोविड स्थिति का जायजा लेंगे। इस बैठक में कई अधिकारी शामिल होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से कोरोना के हालात पर विधानसभा चुनावों को फिलहाल टालने की अपील की थी। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश का दौरा कर हालात का जायजा लेने के बाद कोई फैसला करने की बात कही थी। इसके बाद आज ये अहम बैठक बुलाई जा रही है, तो ये हो सकता है कि सभी दलों के साथ बैठक करके ये निष्कर्ष पे पहुंचा जाए कि क्या चुनाव को टालने की जरूरत है या नहीं, या फिर अगर चुनाव नहीं टालना है तो किन सावधानियों के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं और कैसे संभव होगा ये सब। जो रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं जिसमें लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, तो उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, तमाम चीजों पर आज चर्चा होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये अहम चर्चा है, क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रोन का खतरा देश पर मंडरा रहा है। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, इससे पहले जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेताया था चुनाव आयोग को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरफ ध्यान देने के लिए कहा था कि चुनाव को टाला जाए, तो क्या आज इसी पर चर्चा हो सकती है? जी, आपको बता दें कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय और चुनाव आयोग के बीच एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें विधानसभा चुनाव में जो आगामी विधानसभा 5 राज्यों में उसको लेके एक अहम घोषणा हो सकती है। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब और असम समेत 5 राज्यों में चुनाव है, जहां आगामी चुनाव को लेकर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मई में इसका तत्कालीन सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं गोवा पंजाब में आपका ये मार्च में खत्म हो जा रहा है। इसी को लेकर चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक चल रही है। इसमें आगामी चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला भी आ सकता है। और आज से पहले, अभी कुछ 3 से 4 दिन पहले, हाईकोर्ट ने भी प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग को चेताया था कि आप चुनाव को टालें। जी, तो क्या चुनाव को टाला जा सकता है लोगों की जिंदगी के लिए, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था चुनाव हुए थे लेकिन उसके बाद कोरोना का खतरा भी बढ़ा था, और इस बार अगर ऐसी गलती नहीं करी जाए और चुनाव को टाला जाए तो क्या इससे फर्क पड़ सकता है? जी, आपको बता दें कि चुनाव आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय से इसके लिए सुझाव भी मांगेगा कि चुनाव को अगर अभी कराया जाता है तो क्या देखने को हो सकता है। इसी सब मुद्दों पे दोनों के बीच बैठक होगी। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश समेत पांचों राज्यों में घूम के वहां का जायजा ले चुका है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालयों से सुझाव ले चुका है। अब आज दोनों के बीच नई दिल्ली में बैठक चल रही है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बड़ा ऐलान होता है। जी विभाषु, अगर चुनाव निर्धारित समय पे ही कराए जाते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, कौन कौन सी सावधानी बरतनी रहेगी सभी दलों को? जी, आपको बता दें कि अगर आगामी विधानसभा जो चुनाव हैं वो सही समय पे किए जाते हैं और कोरोना का प्रकोप होता है तो साफ तौर पे रैलियों का आयोजन नहीं हो सकता, जैसा कि सुझाव पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने चुनाव आयोग को दिया था कि आप अपने मीडिया के माध्यमों से, जैसे कि समाचार पत्र या टीवी के माध्यमों से, आप रैलियों को आयोजित करिए और लोगों के बीच जाइए और बताइए अपनी बातों को, ना कि आप विशाल जनसभा में अपने चुनाव को तैयारी में लगे। जी, तो अगर हम मान लें कि चुनाव वक्त पे ही कराया जाएगा तो रैलियां पहले की तरह जैसे बीते साल में देखने को मिली थी डिजिटल हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो आज अहम बैठक है और इसमें एक बड़ा और अहम फैसला सामने आ सकता है कि क्या रैलियों को निर्धारित जैसे चल रही है सुचारू रूप से वैसे ही चलने दिया जाएगा या फिर इस पे अंकुश लगेगा, चुनाव को टाला जाएगा या फिर निर्धारित समय पर ही किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय से भी ऐसे सुझाव मांगे जाएंगे कि अगर चुनाव निर्धारित वक्त में होता है तो इसके क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, यहाँ पे देखते रहिए आप प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।